स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। खबर सहरसा से है जहां अपराधियों का मनोबल एक बार फिर से सर चढ़कर बोल रहा है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र का है जहां मत्स्यगंधा पोखर के निकट बनगांव थाना क्षेत्र के बलहा गढ़िया गांव निवासी एवं वर्तमान में मत्स्यगंधा वार्ड नंबर एक में रहने वाले गजेंद्र यादव के पुत्र आशीष कुमार एवं उनके मित्र पशुपालन कॉलोनी निवासी आलोक कुमार के ऊपर कुछ युवकों ने अवैध देसी गट्टा से गोली चलाई। हालांकि अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली से दोनों बाल बाल बच गए, लेकिन गोली आलोक के पेट को छूती हुई निकल गई, जिन्हें सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित आशीष कुमार ने बताया कि वे अपने मित्र के साथ मत्स्यगंधा पोखर के निकट बातचीत कर रहे थे, तभी बिहरा थाना क्षेत्र के आरण भेलवा गाँव निवासी मनोज शर्मा के पुत्र अभिषेक शर्मा अपने कुछ अन्य साथियों के साथ वहाँ आ पहुंचे। मामूली कहा कही के बाद उसने हथियार निकालकर उनके ऊपर सटा दिया। उनका मित्र आलोक ने जब इसका विरोध किया तो उसने गोली चला दी, जो गोली आलोक के पेट के बगल से निकल गई, जिससे वे बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं इस बाबत सदर थाना अध्यक्ष सुधाकर कुमार ने बताया कि सूचना मिली है, पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। मेरा दोस्त आशीष इस सबसे लड़ा हुआ था मत्स्यगंधा के पास। कौन चीज़ को लेकर विवाद हुआ? वैसे मतलब इसका कोई मैटर था, मतलब वैसे इस सब का मैटर था, हमको नहीं पता। आपसी विवाद? आपसी विवाद था। हाँ। हम लोग गए वहाँ पे, बुलाया, कॉल किया ये सब, तो गए तो वहाँ पे जो है ना वो सब जो है हाथ तक छोड़ने लगा। उसी को बचाने लगे थे तो उसके गाँव का लड़का सब मेरे पर हाथ छोड़ दिया। उसी को ये सब मारने लगा तो उसी को गोली चला दिया। कौन गोली चलाया? अभिषेक शर्मा। कहाँ कराने वाला है? भलवा। भलवा का? हाँ। गोली चलाने का कारण क्या? वही आपसी विवाद? हाँ, वही पे बच्चों के चक्कर में गोली चलाया। आप बच्चों में थे? हाँ। तो कहाँ गोली लगी आपको? हाथ में लगी है। यहाँ पे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। कहाँ का रहा आपका? पशुपालन। कहाँ गोली की घटना हुई है? मत्स्यगंधा पुलिस के बगल में।